नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लेकर आया हूँ प्रयास प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं का। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने प्रश्न पत्र को स्कैन कर ली है और मैंने पीडीएफ फाइल बना दिया हूँ। और ये जो पीडीएफ फाइल है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अपना पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रयास का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर लिखा है प्रयास कक्षा 11वीं प्रवेश परीक्षा 2019, जो अभी हाल ही एग्जाम हुआ था। तो इसका समय है 2 घंटे का है, मतलब 2.5 घंटे का है। दिनांक है 31/3/2019 को परीक्षा हुआ था। समय था प्रातः 10:30 से लेकर 1 बजे तक हुआ था, रविवार को। ठीक है, कब हुआ था? 31 तारीख को, मार्च में। यहाँ पर दिया है अनुक्रमांक रोल नंबर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डब्बा डब्बा, ये किसी सुरक्षा के कारणों से इसको हाइड कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह अनुक्रमांक रोल नंबर, यहाँ पर अपने को रोल नंबर लिखना है। और परीक्षा का माध्यम है हिंदी अंग्रेजी। तो 2 भाषा में आएंगे, एक हिंदी में आएंगे, एक अंग्रेजी आएंगे। जो हिंदी माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं वो हिंदी वाला खंड को देखेंगे, जो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं वो अंग्रेजी वाले में देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ स्टूडेंट ने हिंदी लिखा है तो हिंदी माध्यम के हैं। परीक्षार्थी का नाम है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, लिंग पुरुष महिला, यदि आप महिला है तो फीमेल, यदि पुरुष है तो मेल। ठीक है, पिता का नाम, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। वर्ग अज अप्य सामान्य, तो इसके मतलब आप लोग जानते होंगे, इसको इंग्लिश बोलते हैं SC ST OBC जनरल। ठीक है, तो अज को अनुसूचित जाति मतलब हरिजन, अजा को अनुसूचित जनजाति ST, अप यु अन्य पिछड़े वर्ग सामान्य। तो सामान्य आप लोग जानते होंगे, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, तो इन लोग आते हैं, ये ब्राह्मण आते हैं। ठीक है, जिले के नाम है, जैसे यहाँ पर महासमुंद लिखा है तो आप अपने उसी जगह आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं, जिस जिले में आपका परीक्षाएं हो रही है। तो यहाँ पर लिखना है परीक्षा केंद्र। ठीक है, जिस संस्था में आपका परीक्षा हो रहा है उस संस्था का नाम लिखना है। तो ज़्यादातर स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया कैसे कैसे पढ़ना है। परीक्षा व्यवस्था का ताक्षर, यहाँ पर ये सारे चीज़ें को चेक करेगा, उसके बाद ये साइन करेगा। पर्यवेक्षक अधीक्षक हो सकते हैं और आपके गुरुजी और मैडम हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी का अटाक्षर, यहाँ पर परीक्षार्थी का अटाक्षर करना है। ठीक है, साइन सेम होगा, जैसे एडमिट कार्ड में साइन किए हो उस टाइप का यहाँ पर साइन करना है, क्योंकि दोनों का मिलान होता है, ये चीज बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर सामान्य निर्देश, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पत्र हल करने से पहले। नहीं पढ़ोगे तो डोखे खा जाओगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ आसान से नियम कानून दिया हुआ है। पहला है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न एवं 16 पेज हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न आएंगे और 16 पेज है ये प्रश्न पुस्तिका। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर मूल्यांकन होता आपको सोच समझ के प्रश्न पत्र हल करना पड़ता है, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में है, कभी भविष्य में ऋणात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है यदि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा तो। ठीक है, तो दूसरा है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। एक साइड हिंदी में दिया है और दूसरे साइड में इंग्लिश दिया है, तो दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तीसरा है, ओम आर सीट में उत्तर में निशान लगाने हेतु केवल काले बाल पेन का उपयोग करें। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल नीला पेन यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको उपयोग करना है काले पेन,
जो ब्लैक वाली पेन होती है और बाल पेन होना चाहिए, ये जनरली हम लिख सकते हो। यहाँ पर कौन कौन से पेन यूज़ नहीं करना है, एक नीला पेन हो गया और एक जेल पेन हो गया, एक फिर नीब वाली पेन, ये पेन को यूज़ नहीं करना है, वो मैं ऐसे ख़राब हो जाता है नीब वाला जेल में। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों में से चुनकर ओ एम आर सीट में निर्धारित स्थान पर गोले को पूर्ण रूप से भरे। पूर्ण रूप से मतलब वो अच्छी तरह से आपको गोला करना है, ओम आर सी सीट मिलेगा उसमें आपको अच्छी तरह से गोला करना है, चाहे अपना नाम लिखते रोल नंबर देते समय, चाहे प्रश्न का उत्तर देते समय, यहाँ पर अच्छी तरह से गोल करना है, क्योंकि ये मशीन से चेक होता है ओम आर सीट, तो आप लोग को भी पता होगा ओम आर सीट क्या होता है, और जितना भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ओम आर सीट से होता है, ये आपका शुरुआती स्टेज में है, इसलिए आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। पांचवा है, किसी प्रकार का कां झांट या ओवर राइटिंग या अस्पष्ट उत्तर या एक से अधिक उत्तर चिन्हित करने की स्थिति में अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर कभी एक से अधिक गोला नहीं लगाना है और उसके साथ कोई दाग धब्बा नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो प्रश्न दिए हैं वो आपका कट जाएंगे, एक नंबर कट जाएंगे, चाहे सही हो चाहे गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां है, परीक्षा समाप्ति उपरांत पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों से ओ एम आर सीट जमा करा ले। अपने पर्यवेक्षक के पास ओ एम आर सीट को जमा करना है, तत्पश्चात प्रश्न पुस्तिका विद्यार्थियों को अपने साथ ले जाने देवे, ये परीक्षा को निर्देश करा, लेकिन आप लोगों को फॉलो करना है, आपको ले जाना है छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य हेतु स्थान दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर तीन पेज दिया जाएगा खाली वाला, उसमें आप गणितीय कार्य कर सकते हो, जो भी सवाल और हल करना है किसी प्रश्न का उसमें कर सकते हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस किस टाइप का प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हिंदी की प्रश्न देखिए, ये जो आए हैं ये हिंदी व्याकरण से आए हुए हैं, कुछ संधि के हैं, कुछ समास के हैं, कुछ अलंकार के हैं, कुछ मुहारे के हैं, उस टाइप की प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, छंद है, दोहा है, कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो सारे व्याकरण से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी के बाद आता है आपका अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है यहाँ पर, इसमें भी वही आया अंग्रेजी ग्रामर से ही आए हैं। अंग्रेजी ग्रामर आपको कौन कौन कक्षा से तैयारी करना है, एक कक्षा नौवीं एक कक्षा दसवीं, तो ज़्यादा जोर कक्षा दसवीं कही दोगे क्योंकि कक्षा दसवीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों कक्षा का तैयारी करना है ग्रामर में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के बाद आता है ये विज्ञान, प्रश्न 21 है, ये विज्ञान से शुरू हो जाता है, विज्ञान के कुछ प्रकाश के पार्ट से आए हैं, मतलब लाइट, कुछ उष्मा से भी आए हैं, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, देखो यहाँ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आया है, संख्यात्मक प्रश्न आए हैं, जैसे ये जूल का है, विद्युत का प्रश्न आया है, यहाँ पास आपका ये दर्पण का आया है जो प्रकाश से संबंधित है, विभवांतर विद्युत से आया है, नाभिकीय विखंडन का आया है, तो इस टाइप का यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आसपास लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बस आपको समझ आना चाहिए। रेडास अभिक्रिय उपयोगी, कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी सही आंसर है यहाँ पर देखना, वहाँ पर ओमेगा सीट में गोला लगाना है सही आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कवर किया है विज्ञान के अंदर में, भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान, तो इतने सब्जेक्ट्स आएंगे नौवीं दसवीं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फटाक से, तो यहाँ पर आपका आता है गणित, तो प्रश्न 51 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीजगणित के प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर व्यंजक का है, बहुपद का है, उसके यहाँ रेखीय समीकरण का भी आया है, देखो यहाँ पर रेखीय समीकरण का प्रश्न भी आया हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रमेय का भी आया है, जैसे ये प्रमेय व्यंजक है, ठीक है।
यहाँ पर असमानता श्रेणी का भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर समान ऊपर अनुपात का है, उसके बाद आपका ट्रिबूस वाला है, साइकिल पहिया, ये वृत्त से संबंधित प्रश्न है। मतलब सारे जितना भी अध्याय है गणित के वो पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्याज के भी प्रश्न पूछे गए हैं, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, तो सारे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कक्षा 9वीं और 10वीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आता है 81 नंबर में, ये है आपका ये सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान बिल्कुल सामान्य ज्ञान की तरह है, जो जनरल नॉलेज पढ़ते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब ये प्रश्न पत्र आप देखो तो आप शुरू से पुस्तक पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से ये सारी चीज़ समझ आएगा। केवल प्रश्न उत्तर पढ़ देने से ये प्रयास का प्रश्न हल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पुस्तक से ही पढ़ना है, क्योंकि पुस्तक के बीच से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि प्रयास के प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं में किस टाइप का प्रश्न पूछे गए, तो आप लोगों को देख के आइडिया हो गया। अब मैं लिंक में दे दिया हूँ, और इस लिंक में जाके आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।